कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा ओम ज्ञानति मिरांध्यस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामहं ददातीश्वरपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीजगत्पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं सप्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललितास्तिविशाखान्वितं च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्ते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे हे विशेष शून्यवादी पश्चात्तदेशतारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषमानुसुते देवी प्रणमामि हरिते वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायके कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गोरकृषे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम ब्रजंदमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायना विरहकातराजभाव पुत्रेति तन्मयतयातर्वोऽभिनेदो स्तं सर्वभूतहृदयेषु मणिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदिरे वेदे रामायणेश्चैव पुराणे भारते तथा आदौ चन्द्रे च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते मोहं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपाहस्तमहं वन्दे शिवरुदिनतारिणी परमानन्दमाधव ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 ॐ नमो श्रीमद्भागवतम से हम श्रवण कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। भागवतम तृतीय स्कंध का ये विषय हम मैत्री मुनि के श्रीमुख से श्रवण कर रहे हैं, जो विदुर जी
जिज्ञासा कर रहे हैं कि भगवान तो जो तीन गुण से परे हैं, त्रिगुणातीत है, उनका ये युद्ध करना क्यों? उनका ये तो स्वभाव नहीं है, फिर उन्होंने ये युद्ध क्यों किया? हालांकि वो सब विषय में सुने थे, वराह भगवान को क्यों आना पड़ा, कैसे हिरण्यक्ष के साथ युद्ध किए हैं, ये सब बात तो पहले सुने थे, फिर भी उन्होंने जिज्ञासा किया क्यों किए, भगवान श्री कृष्ण भगवान स्वयं क्यों युद्ध किए? तो इस बात को पुष्ट करने के लिए मैत्रों ने बता रहे हैं, ये बात को बहुत पूर्व पुरा काल में देवताओं ने जिज्ञासा किए थे ब्रह्मा जी के पास। तथापि इतिहास स्वयं सुता में वर्णित तो पुरा ब्रह्मणा देवदेवेन देवानाम अनुपृच्छताम। ब्रह्मणा, ब्रह्मा के पास सभी देवता जाकर ये बात उनको पूछ रहे थे एक समय। तो उस समय भगवान का ये लीला के बारे में जब ब्रह्मा जी देवताओं को बता रहे थे, उस समय मैत्री मुनि वहां उपस्थित थे और ब्रह्मा जी के सम्मुख से जो बात आया था मैत्री मुनि भी वहां सोता थे, वो सुनते थे। इस बात पर पुष्ट करके ये बता रहे हैं कि हे विदुर सुनिए। तो इस प्रसंग से क्या हमको जानकर क्या मिलेगा? श्रीपद सिद्धुर स्वामी बताते हैं, देव प्रश्न प्रस्ताव आय प्रथम हिरण्यक्ष हिरण्यकशिपु उत्पत्ति प्रसंग महा। देव प्रश्न प्रस्ताव आय, देवता लोग जो प्रश्न पूछे हैं, ये प्रश्न को जब सुने और वो उत्तर दिए हैं, इससे प्रथम हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु उत्पत्ति प्रसंग महा। हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु इस जगत को कैसे आए और इससे हमको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, बहुत सारी शिक्षा है हमारे लिए। इसलिए श्रीमद् भागवतम को कहा जाता है भागवतम अमर पुराण। भागवतम से हमको बहुत सारा शिक्षा प्राप्त होता है, इसलिए तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाराज कहा करते थे, जगत में जितना भी लाइब्रेरी है, जितना भी किताब है, अगर सारी किताब में आग लगकर वो नष्ट हो जाए तो कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं, कोई नुकसान भी नहीं है, अगर श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में है। अगर ये दो शास्त्रीय ग्रंथ है तो जगत के जितने भी किताब है, सभी लाइब्रेरी में से जितना किताब सब है, सब जलकर नष्ट हो जाए कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि सही ज्ञान हमको गीता और भागवतम से ही मिलता है। तो ये प्रसंग हम कल चर्चा कर रहे थे, सुन रहे थे, कैसे दीति के जिज्ञासा हो रही थी अपने पति के पास, कश्यप मुनि के पास जाकर वो जिज्ञासा कर रही थी, कौन सी समय? शाम समय, संध्या बेला में। दीति राख्याणी क्षत मारिचम कश्यपम पति अपत्य कामाचक में संध्या हृत्य अर्पिता, हृत्य अर्पिता, काम में पीड़ित होकर जाकर अपने पति से जाकर ऐसा जिज्ञासा कर रहे हैं। हालांकि वो उनको भी मालूम है कि ये संध्या का समय है, संध्या का बेला है, ये उचित नहीं है, फिर भी जाकर बता रहे हैं, आगे भी ये आएगा। गिरधरलाल ये भी बताते हैं, संध्या का संध्या इति निषिद्धत्वात्, ये निषिद्ध काल ये जानते हुए भी जाकर वो जिज्ञासा कर रही थी। और क्या जिज्ञासा कर रही थी और कैसे जिज्ञासा कर रही थी, स्थान कैसा था, इसके बारे में हम कल सुने थे। इष्टग्नि जीवं पयसा पुरुषं यजुसंपतिं निम्रोचित अप्तासिनं अग्न्यागारे समाहितम्। अग्न्यागारे यज्ञशाला में कश्यप ने यज्ञों को समाहित करके वहां बैठे थे, मन को एकाग्रचित में बिल्कुल भगवान के पास लगाकर समाधि स्तर में वो बैठे थे। उसी समय दीति आकर वहां पहुंच गई और आकर क्या बोले आज हम सुनेंगे। दीति उवाच, तत्कृते विद्वन् कामात्तः सरासनः दुनोति दीनविक्रम्य आरम्भम् इव मदम्बज। दीति ने कैसे बोल रही थी ये बहुत सुंदर है। दीति को ज्ञान भी है कैसे बोलना चाहिए, इसे ये हमको शिक्षा मिलता है कि एक नारी पत्नी अपने पति के पास जाकर अगर कोई
कुछ बोलना चाहती है तो कैसे बोलना चाहिए, इससे हमको ये पता भी चलता है। देखिए कैसे विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर उनकी टीका में ये बात बताते हैं, मुद्रित नेत्र पतो, क्योंकि उनके पति बिल्कुल समाधि अवस्था में थे ना, मुद्रित नेत्र, नेत्र बंद करके वो तो समाधि में भगवान को ध्यान कर रहे थे। यज्ञ संपन्न हो गया था, भगवान को ध्यान में वो बिल्कुल मग्न थे, मुद्रित नेत्र। उस समय बोलना अनुचित है, बोलना नहीं चाहिए, उनको भी पता था, दीति को मालूम थी। तो मुद्रित नेत्र पतो कायिक चक्षु संस्च अभिजोगे अकिंचित करेव, पति को कायिक मतलब जो जब वो आंख बंद करके बैठ रहे हैं, वो ध्यान कर रहे थे, उस समय जाकर अगर कायिक मतलब हाथ में ऐसा हिलाकर या फिर जो भी हो शरीर में स्पर्श करके कुछ बोलना कि गलत है, ये पता था, व्यक्ति को एक बात मालूम था। और चक्षु संस्च अभिजग अपिंचित कर, चक्षुषा जैसे आंख में कुछ इशारा करना, ये भी असंगत है, कैसे इशारा करेगी, वो तो बिल्कुल मग्न है, ध्यानस्थ है, समाधि में है, तो अकिंचित करो, वो ये उचित भी नहीं है, ये भी उनको मालूम था। इसीलिए वो क्या क्या कैसे वो इंगित के वचन में, कैसे वचन में बोली ये बात बताते हैं विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर। परमेश्वर अभिनिवेशित बुद्धो कश्यपे न अवकाश लभंत एव इति उत्तम अंगनानां अभिधेव पुरुषे संभव प्रार्थना यद्यपि नैव स्वभाव। जो उत्तम नारी है, उत्तम नारी का स्वभाव कैसा है इससे बताया गया है। उत्तम नारी का ऐसे काम है, वो पुरुष के पास अपने पति के पास जाकर ऐसे संभव के लिए प्रार्थना करना ये अनुचित है, ये बात उनको पता है, फिर भी जाकर बोली। क्यों बोली? तथापि कंदर्प पीड़या उन्मादिता दिति लज्जसं के निग्रंति व समाधि भंगार्थम उच्चे आह। समाधि को भंग करने के लिए उच्च स्वर से वो बोलने लगी, उनको पता है ऐसा बोलना उचित नहीं है, अनुचित है, सती नारी के लिए ऐसा बिल्कुल अनुचित है, उनको पता था, फिर भी उन्होंने ऐसा बोली। देखिए चक्रकार ऐसा बताते हैं, उत्तम अंगनानं अभिधेव पुरुष संभव प्रार्थना यद्यपि नैव स्वभाव। उत्तम नारी का ये स्वभाव नहीं है, ऐसा बोलना स्वभाव को सती नारी का लक्षण नहीं है, फिर भी उन्होंने ऐसा बोली। क्यों बोली? क्योंकि कंदर्प पीड़या उन्मादिता, कंदर्प के पीड़ा से उन्माद बिल्कुल उन्मादग्रस्त हो गए थे, कान पीड़ा से उन्मादग्रस्त हो गए थे, इसलिए लज्जासन के निगंति व समाधि भंगार्थम उच्चे व आह। ये सब कुछ लज्जा भज्जा सब छोड़ करके जाकर उच्च स्वर से वो ऐसा बोलने लगी। देखिए किधर बोलने लगी, यज्ञशाला में। पति का स्थिति क्या है? समाधि में है, यज्ञ संपन्न करके समाधि में भगवान को ध्यान कर रहे हैं, बिल्कुल जो बोलते हैं हम ऐसे स्थिति में है। अच्छा क्या बोलते हैं जाकर बोलते हैं, देखिए क्या बोलते हैं, दीति क्या बोलती, अपने पति को दोष देकर बोलती है। इसलिए इस श्लोक में बताया गया है, ये सब मान तत्कृत विद्वन काम तसरासन, आपके लिए मैं पीड़ित हूं, तत्कृते आपके लिए, मतलब सभी दोष किनको दे रहे हैं, अपने पति को। ये अनुचित है, ये बिल्कुल उचित, लेकिन क्या करें, वो तो काम में पीड़ित है। तत्कृते इति, क्यों पति को क्यों दोष दे रहे हैं, उनका भाव ऐसा है, अगर मैं अकेली रहा होती तो मुझे ये काम कुछ नहीं कर पाती, मेरा कुछ नहीं कर पाती, कुछ नहीं बिगड़ पाती, लेकिन आप मेरे पास है ना, इसलिए चक्रवर्त का ही भाव है। तत्कृते इति यदि अहम एकाकिन्यस्थस्य तद एष मम किं करिष्यति, अगर मैं अकेला अकेली अगर रही होती तो ये काम मेरा कुछ नहीं बिगड़ पाती, क्योंकि आप मेरे पास है इसीलिए ये काम मुझे बहुत पीड़ा दे रहा है, तो ये आपका
काम है। अगर आप मेरे पास नहीं होते तो मैं ये पीड़ा में पीड़ित नहीं होती। मतलब दोष किसको दे रहे हैं, देखिए ये तो भगवान की इच्छा है। नहीं तो जब सबके चाहेंगे को सबके चाहेंगे, ये तो भगवान की इच्छा है। लेकिन हमको भी शिक्षा मिल रहा है इससे। दीनं दुनोत इति त्वं पते कथं मां न रक्षसि इति भाव। पतौ तस्मिन् एव दोष न्यस्त। पतौ पति के ऊपर ये दोष को न्यस्त कर रहे हैं, पति को दोष दे रहे हैं। मैं दीना हूं। आप देखिए त्वं पते कथं मां न रक्षसि। आप पति होकर मुझे क्यों रक्षा नहीं करेंगे? रक्षा करना आपका धर्म है, तो ये आपका दोष है। अच्छा, अगर कोई प्रश्न कर सकते हैं, ये चक्रवर्तपद का ईशु टीका है, चक्रवर्तपद बता रहे हैं। अच्छा, एक पत्नी होकर ये सब क्यों, वो लज्जा को छोड़कर ऐसा बोल रही है, ये तो उचित नहीं है ना, ऐसा क्यों बोल रही है? इसका उत्तर दे रहे हैं, रंभम इव इति। रंभम मतलब है, रंभम मतलब क्या है, जो केले का पेड़ है ना, केले का पेड़ है, केले का वृक्ष, केले का पेड़ कदली वृक्ष हम बोलते हैं। केले का पेड़ को अगर एक हस्ती आकर उसको तोड़ने की कोशिश करेगा तो कितना समय लगेगा? अगर हाथी आकर कदली के वृक्ष को, पेड़ को अगर तोड़ने की कोशिश करेगा कितना समय लगेगा? आसान से तोड़ देगा ना। तो उनको कंदर ऐसे तोड़ रही है, मतलब ये कहने का तात्पर्य उनका ये है, श्लोक में ये बताती है। और बोलते हैं यदि प्राणायव नश्यन्ति तदा किम लज्जा इति भाव। नहीं तो मेरा प्राण चली जाएगी, प्राण जहां प्राण चली जाएगी वहां लज्जा क्या है? इसलिए कंदर्प मुझे ऐसा कष्ट दे रहे हैं क्योंकि आप मेरे पास है। देखिए भक्त होने के बाद भी, हम भक्ति पथ को आने के बाद भी कंदर्प के शिकार में है, मदन के शिकार में सभी लोग हैं इस जगत में, सभी लोग मदन के शिकार में हैं। मदन किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, सिर्फ एक आदमी वो छोड़ेंगे, किसको? वो जो भी हो, अगर वो मदन मोहन के पास बिल्कुल समर्पित हो जाएगी, अगर कोई मदन मोहन के पास बिल्कुल समर्पित हो जाएगा तो मदन उनको छोड़ेगा, नहीं तो नहीं। मदन किसी को भी नहीं छोड़ती, उनका काम ऐसा है। शास्त्र में देखा, नीति शास्त्र में ऐसा वर्णन है। देखिए कामदेव का शक्ति कैसा है, किसी को भी नहीं छोड़ती वो। भर्तृहरि जी का नाम शायद आपको पता होगा, शायद भर्तृहरि मालूम है कौन है? एक राजा थे, उज्जैन के राजा थे, महाराज विक्रमादित्य, शायद नाम सुनते होंगे। विक्रमादित्य के भाई है भर्तृहरि। उन्होंने नीति में बहुत सुंदर, वैराग्य के शतक में एक बहुत सुंदर श्लोक लिखे है, मतलब कंदर्प किसी को भी नहीं छोड़ेगा, किसी को भी नहीं। क्या बताते हैं देखिए, एक कुत्ता जा रहा है, उसको देखकर ये श्लोक उन्होंने लिखा है। कृशः काणः खंजः श्रवण रहित पुच्छ विक्कल व्रणी कुयक्लिन्न कृमिगुण सति आवृत करो। कुत्ता का स्थिति कैसा है देखिए, कृशः बिल्कुल कृशः मतलब बिल्कुल दुबला पतला ऐसा है। काणः एक आंख भी उनका फूट गया है। काणः हिंदी में क्या बोलते हैं? काणे बोलते हैं, काणः। खंजः एक पैर भी उनका टूट गया है, इसलिए खंज मतलब हिंदी में क्या होगा? लंगड़ा। ये लंगड़ा है, दुबला शरीर है, एक आंख फूट गया है, लंगड़ा भी है, श्रवण रहित कर्ण को भी उनका नहीं सुनाई दे रहा है। कुत्ता का स्थिति देखिए कैसा है, श्रवण रहित, पुच्छ विकल, उनका पूछ भी कट गया है, पूछ भी नहीं है, मतलब वो बिल्कुल दुबला पतला बिल्कुल। और क्या, व्रणी संपूर्ण शरीर में व्रण जैसा है, रोगाक्रांत है। और व्रण मतलब जैसे घाव इस होता है। पूय प्रिन्ना कृमिकुल सति आवृत तनु, कृमि बहुत सारा कृमि इसके शरीर में बिल्कुल आवृत है, इनका शरीर आवृत तनु ऐसा है। और क्या,
क्षुधा ख्याम जिन्न पिठरक कपालार्पित कला क्या बोलते हैं देखिए क्षुधा ख्याम क्षुधा से भी वो बिल्कुल बिल्कुल उनका बल भी नहीं है शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं है क्षुधा से जिन्न वयस भी हो गया है वृद्ध भी हो गया है और क्या है भक्तों कैसे बताते हैं पिठर का कपालार्पित कला उनके गल में गल प्रदेश में कोई बच्चा एक मिट्टी का बर्तन है ना मिट्टी का बर्तन को तोड़ देने से वो जो ऊपर एक है ना क्या बोलते हैं रिंग जो है ऊपर का जो रिंग है वो जैसे एक उनके गला में कोई बच्चा डाल दिया है इसे बताए पिठर का कपालार्पित गला उनके शरीर में ऐसा है सुनिम अमृति स्वा हतमपि च हन्तेव मदना इसका मतलब है ऐसे अवस्था में भी वो श्वान एक सुनि के पीछे पीछे जा रहा है मतलब वो कुत्ता उनका स्थिति ऐसा है फिर भी वो एक कुत्ती के पीछे पीछे जा रहा है क्यों जा रहा है भर्तरी बताते हैं हतमपि च हन्तेव मदना मतलब ये कुत्ता बिल्कुल मृत प्राय है हतम अपी इस समय मरेगा कोई ठिकाना नहीं है फिर भी ये मृत प्राय प्राणी को भी मदन नहीं छोड़ते वो भी चला जाता है कुत्ते के पीछे पीछे तो जरा सोचिए अगर कुत्ता का स्थिति ऐसे होते हुए भी मदन उनको नहीं छोड़ते तो हमारा स्थिति क्या है हमको मदन छोड़ देगा इतने आसान से छोड़ देगा कि बिल्कुल अब दिति का स्थिति ऐसा है तो ये कोई हैरान होने वाली बात नहीं ये तो होगा ही होगा और ये तो भगवान का लीला है जय विजय आएंगे तो इसलिए एक ही उपाय है क्या है मदन मोहन के पास जाकर बिल्कुल समर्पित हो जाना चाहिए सरेंडर होना चाहिए हो जाना चाहिए मदन कैसे प्रकट हुए थे आगे सुनेंगे तो दीति जाकर कैसे बोल रहे हैं विश्वनाथ चक्र ठाकुर बता रहे हैं नौ चक्र अहम कामातुर रति जाचे मैं सिर्फ कामातुर होकर रति जाचना कर रहा हूं ऐसा नहीं है किंतु पुत्रार्थी न विद्या किंतु मुझे पुत्र भी चाहिए पुत्र के लिए वो ऐसा निवेदन कर रही है क्या निवेदन कर रहे हैं कैसे निवेदन कर रहे हैं नेक्स्ट श्लोक में बता रहे हैं तद भवान देहमानयं सपत्निनां समृद्धिवि प्रजावतीनां भद्रं ते मयि अयुंतम अनुग्रहं तद भवान देहमानं सपत्निनां समृद्धिवि हे भवान हे पतिदेव देखिए इस जगत का स्वरूप क्या है जगत का स्वरूप है मत्सर्य भाव रहेगा ही रहेगा किसी के उत्कर्ष को देखकर हम सहन नहीं कर पाएंगे ये जगत का स्वरूप है इसलिए तो कंपटीशन हो रहा है जगत में और क्या प्रभुपाद महाराज ये तो बताते हैं जगत में बस ऐसा कंपटीशन हो रहा है ना एक आदमी देखता है अरे उनके पास या ये चीज है वो चीज है बस मैं भी ये चीज हासिल करना चाहता हूँ जो भी हो जैसे भी हो मुझे भी वो चीज चाहिए उनके पास ऐसा मकान है मैं भी ऐसा मकान बनाऊंगा उनके पास ऐसा गाड़ी है मेरा भी ऐसा गाड़ी होना चाहिए उनके बेटा ये पढ़े क्या मैं भी मेरे बेटे को ऐसा पढ़ाई करूंगा देखिए ये कंपटीशन चल रहा है जगत में ये कंपटीशन होना चाहिए ये कोई गलत बात नहीं है ये सही है लेकिन मेटेरियली होना ये बिल्कुल गलत है स्पिरिचुअली होना चाहिए मतलब समझ में आ रहा है ना स्पिरिचुअली होना चाहिए स्पिरिचुअली मतलब क्या कैसे स्पिरिचुअली मतलब अरे वो डिवोटी 16 माला जप कर रहा है ठीक है मैं 24 माला जप करूंगा ऐसे कंपटीशन होना चाहिए वो भवन को 2 घंटा स्मरण कर सकता है ठीक है मैं 3 घंटा करूंगा वो भवन की सभा इतने प्यार से कर रही है ठीक है मैं भी उतने प्यार से करूंगा ऐसे कंपटीशन होना चाहिए जैसे गोपी लोगों के बीच में भी कंपटीशन था लेकिन फाइटिंग नहीं था गोपियों के बीच कंपटीशन था कंपटीशन किस स्तर पर था कैसे हम भवन को प्रसन्न कर सकें कैसे हम ज्यादा से ज्यादा भवन के लिए सेवा कर सकें इसके ऊपर कंपटीशन था लेकिन इस जगत में क्या है मेटेरियली कंपटीशन भाव है मेटेरियली भौतिक दृष्टिकोण से हम कंपटीशन करते हैं स्ट्रगल करते हैं और आगे आगे जाने के लिए बस सबका ये प्रयास करता रहता है
हम आगे ही रहेंगे। जितना आगे जाइए भगवान के पास जाने के लिए तो भक्ति ही करना पड़ेगा ना, नहीं तो हम जितना भी आगे जाएंगे क्या फायदा, कुछ भी फायदा नहीं। बस सब कुछ को छोड़ करके, इधर सब कुछ छोड़ करके एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। हमारा जो भी है, जितना भी जो कुछ है, बस सब इधर रह जाएगा, बस कुछ भी नहीं। तो देखिए दीति बोल रही है, क्या बोल रही है, सपत्नीनां समृद्धि भी। सपत्नीनां अपनी जो सपत्नी मतलब क्या बोलते हैं, सौतेन, सौतेन हिंदी में सौतेन ही बोलते हैं, सौतेन सपत्नी। अच्छा सौतेन भी दूसरा कोई नहीं थे, सौतेन कौन थे, उनके ही बहन थे, है कि नहीं। कल हम सुने थे ना दक्ष के 13 कन्या को विवाह शादी किए थे कौन, कश्यप ने। 13 कन्या से 12 कन्या पुत्रवती हो गई थी, इसलिए उन्होंने पुत्रवती हो गई इसलिए वो सहन नहीं कर सकती। ये बात खुद अपने मुंह से बता रही, सपत्नीनां समृद्धि भी दह्यमानाय, मैं मुझसे जलन हो रहा है, मुझसे जलन हो रही, मेरे सभी बहन जो मेरे सपत्नी है सौतन हो गए हैं, उनका लड़का हो गया, उनका बेटा हो गया, उनका संतान हो गया, लेकिन मेरा संतान नहीं है। ये जगत ऐसा ही है, लेकिन इससे हमारा कुछ कल्याण नहीं होने वाला है। अगर हम किसको स्पर्धा करते हैं, ये जो पश्या भावी जो ये भाव जो रहता है मत्सर्य भाव, ये मत्सर्य से किसी का कल्याण नहीं हुआ है, नहीं होने वाला है। इसलिए भागवत धर्म का प्रथम श्लोक में बताया गया है ये मत्सर्य को दूर फेंकना चाहिए, मत्सर्य को दूर फेंक कर भक्ति पथ में आना चाहिए। क्योंकि सभी काम को हम भगवान, सभी जो क्या बोलते हैं, सभी रिपु को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, लेकिन मत्सर्य को भगवान की सेवा में नहीं लगा पाएंगे। जैसे हमारा काम है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, काम को भी भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। षड़ रिपु है ना, 6 रिपु है, सभी जीवों के अंदर 6 रिपु है, रिपु मतलब शत्रु, 6 शत्रु है, कौन कौन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये 6 रिपु सभी के अंदर है। धीरे 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 हम जब बढ़ेंगे, बढ़ने से ये रिपु भी प्रबल होते जाएगा। 5 रिपु को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये नरोत्तम दास ठाकुर प्रेम भक्ति चंद्रिका ग्रंथ में ये बात बताते हैं। काम कृष्ण कर्मार्पणे क्रोध भक्त द्वेषी जने लोभ साधु संगी हरि कथा मोह इष्ट लाभ विने, इस सबको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, लेकिन मत्सर्य को नहीं लगा पाएंगे। इसलिए मत्सर्य को दूर फेंक कर भक्ति पथ में आना चाहिए। मत्सर्य किसके ऊपर भी मत्सर्य प्रयाण होना नहीं चाहिए। अगर किसका कोई किस क्या बोलते हैं प्रगति करता है अगर कोई, तो ठीक है वो प्रगति करता है, करने दीजिए उनको, हम क्यों उनके प्रगति को देखकर जलते रहेंगे, ये अच्छा नहीं है, इससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे और भक्ति भी नहीं हो पाएगा। अगर किसके अंदर ऐसा भाव आता है तो वो भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएगा। तो दीति का भाव ऐसा है, वो स्वयं बता दी है, जब अहम एक अपुत्रा तब तक समृद्धि भी पुत्र लक्षणवत भी, अहम एक अपुत्र मतलब 13 कन्या दक्ष के 13 कन्या, हम 13 बहन एक आदमी से शादी किए हैं, 12 बहन मेरी 12 बहन वो पुत्रवती होगी, अहम एक अपुत्र, इसलिए उनके समृद्धि को देखकर मुझे सहन नहीं हो रही। प्रजावती भद्रंते मई अयुक्तम अनुग्रहम, आप मुझे कृपा कीजिए। ये जगत का स्वरूप है मत्स्य भाव। देखिए 6th कांड में ऐसा वर्णन आता है, चित्रकेतु महाराज के कितने कितने रानी थे मालूम है किसको, महाराज चित्रकेतु, चित्रकेतु के कितने रानी थे, हाँ जी 1000, 1 करोड़ एक करोड़ थे, ऐसा बनाना है। तो देखिए अच्छा उनके इतना प्राणी थे, लेकिन उनका भी दुख था, क्या दुख था, संतान नहीं था, कोई भी संतान नहीं,
और ये तो बहुत बड़ा, ये भी भाव सप्ताह में 107 दिन के लिए प्रवचन हम करते हैं। तो एक रानी कृतद्विती, एक रानी जब पुत्रवती हो गई, देखिए सारी रानी मिलकर चक्रांत करके क्या किए मालूम है ना, उस छोटे से बच्चे को विष देकर मार दी। देखिए मास्टर जी कैसा है, उनका मन में ये विचार आया, अरे वो तो पुत्रवती हो गई ना, तो हो सके राजा सिर्फ उनको ही प्यार करेंगे, हमको नहीं पूछेंगे, ऐसा मास्टर जी भाव आ गया। ये स्वभाव से भगवान प्रसन्न नहीं होगी। भगवान कैसे प्रसन्न होंगे मालूम है, शास्त्र में ऐसा वर्णन है, साधव पर संपत्तिषु, वो साधु ही जो अपर आदमी के दूसरे के संपत्तिषु, दूसरे की प्रगति को देखकर जो प्रफुल्ल होते हैं, ठीक है वो प्रगति कर रहे हैं, ठीक है बहुत अच्छा, लेकिन ये भाव नहीं अगर आया तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। साधु भाव पर संपत्ति सो मयूरा मेघ गर्जने, चाणक्य पंडित जी बताते हैं ना, मयूर मयूर कैसे प्रसन्न होते हैं, मेघ गर्जने जब मेघ आता है आकाश में, मेघ को देखकर मयूर प्रसन्न होता है। मेघ अगर बारिश होगा, बारिश होने से मयूर का क्या फायदा है, कुछ फायदा नहीं, बारिश होने से जगत का कल्याण होगा ना, लेकिन मयूर प्रसन्न होता है। भक्तों का स्वभाव ऐसा होना चाहिए, दूसरों को प्रगति देखकर प्रसन्न होना चाहिए। तो ये बात ये बता रहे हैं। अच्छा और क्या बताते हैं, देखिए भर्तरी अप्तुर्वानानां लोकानाभिषतेजस पतिर्भवद्विधोजासं प्रजयानुजायते। विश्वनाथ चक्र ठाकुर बहुत सुंदर, ये सब श्लोक में विश्वनाथ चक्र ठाकुर बहुत सुंदर सुंदर सब टीका बताए हैं, और उस टीका को लेकर के ही श्रील प्रभुपाद उनके भावार्थ जो तात्पर्य प्रकट दिए हैं। श्रील प्रभुपाद सभी आचार्यों के टीका को बिल्कुल पढ़े हैं, किधर पढ़े मालूम है, श्रील प्रभुपाद सभी टीका को पढ़े हैं। हाँ जी हाँ, वृंदावन में जब प्रभुपाद रहते थे राधा दामोदर मंदिर में, वहां सभी टीका सब ग्रंथ वहां उपलब्ध था, उस समय उन्होंने सब ग्रंथ को पढ़ा। बाद में हम जैसे, हमको जैसे समझना होगा, हम जिस चीज को हम समझ पाएंगे वैसे प्रभुपाद ने बताया, तो टीका से हमको डायरेक्ट भी कुछ कुछ पता चलता है। तो देखिए किस बताते हैं विष्णु जब ठर किया बोलते हैं, तो प्रसादा जशस्विनी पुत्रवती आपके प्रसाद से कृपा से, ये भी सही बात है, नारी का क्या बोलते हैं सौभाग्य क्या है, पति के माध्यम से जब वो संतान प्राप्त होते हैं, मतलब जो उनका क्या बोलते हैं मातृत्व भाव प्रकट होता है, जब वो क्या बोलते हैं वात्सल्य भाव प्राप्त होते हैं अपने संतान के प्रति, ये कैसे होता है पति के माध्यम से, ये उनका सौभाग्य है। भर्तरी भर्तु सकाशात इत्यर्थ, पति के सकाश पति के माध्यम से ही वो जननी होता है, जननी होना उनके लिए सौभाग्य है। देखिए भर्तरी भर्तु सकाशात इत्यर्थ प्राप्त बहु सम्मानानां स्त्रीणां जस लोकान व्याप्नोति पुत्र रूपेण। जगत में जो हम देखते हैं, हम बोलते हैं हाँ उनका पुत्र है, वो तो ठीक है, भागवत प्रथम स्कंध में ऐसा वर्णन है, पुत्र रूप में कौन आते हैं, पति ही आते हैं, पति ही पुत्र के रूप में आते हैं। इसलिए अश्वत्थामा को जो मानने के लिए उद्युत हुए थे, उस समय द्रौपदी मना की, बोले नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल हनन करना नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि ऐसे ही गुरुद्रोण प्रजारोपण वर्तते, उन्होंने बताया। अश्वत्थामा को देखकर उन्होंने क्या बोल रही थी, ऐसे ही वो ही द्रोण है, अश्वत्थामा को द्रोण बोल रहे हैं, प्रजारोपण वर्तते, द्रोण ही प्रजा के रूप में आए हैं, पति ही पुत्र के रूप में आते हैं। इसलिए तो पति को कैसे दृष्टि में हमको देखना चाहिए, मतलब जो सती नारी है, सती नारी के दृष्टि से पति कैसा है, पति उनके लिए सब कुछ है। आपको सभी को मालूम होगा शायद सावित्री, सावित्री के बारे में सबको मालूम होगा,
सावित्री इधर तो करवा चौथ में सावित्री का नाम आता है, सावित्री करते वट सावित्री, वट सावित्री। अच्छा अच्छा ठीक है, सावित्री, सावित्री आज इतना प्रसिद्ध क्यों है? पति को लाने के लिए यमराज के साथ भी भिड़ गई, नहीं मुझे मेरा पति चाहिए। यमराज ने उनको बहुत आश्वासन दिया, बहुत बल भी दे दिया, सभी बल को दे दिया, लेकिन बोले नहीं 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 मुझे मेरा पति ही चाहिए। लास्ट बल क्या था? ठीक है तुम सब कुछ पर लास्ट बल था, ठीक है तुम शतपुत्र प्राप्त हो गए, जाओ। और लास्ट में यमराज को बुद्धि को भी उड़न कर दी, ठीक है आपने तो बल दे दिया लेकिन आप तो मेरे पति को लेकर जा रहे हो, सब पुत्र कैसे होगा? यमराज का बुद्धि बिल्कुल फेल हो गया, बाध्य होकर उनके पति को वापस देना पड़ा। सावित्री बहुत, वो सावित्री, सावित्री का जीवन चरित्र अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। सावित्री, सावित्री किसका नाम मालूम है? किन का नाम सावित्री है? सावित्री नाम से एक देवी है, एक देवी का नाम है सावित्री। उस देवी के नाम बिल्कुल इस कन्या के ऊपर था, मतलब वो ऐसे दीप्तिमंती थी, देखने के लिए बहुत तेजस्वी थी, इसलिए उनको शादी करने के लिए कोई भी तैयार नहीं थे, जो देखते थे वो डर जाते थे, वो देवी जैसा दिखती थी सावित्री, इसलिए सावित्री को कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं होते थे। तो उनके पिता ने बोल दिया ठीक है, अश्वपति ने, अश्वपति अश्वपति ने उन्हें बोल दिया ठीक है तुम अपने इच्छा से अगर कोई वर को चयन किए हो तो बोलो। तो सावित्री गई, बहुत लंबी कहानी है, सावित्री गई जाकर देखे द्युमत्सेन के पुत्र कौन, सत्यवान, सत्यवान को देखे। सावित्री ढूंढने लगी किसी से शादी उनका होना चाहिए, इसने आजकल तो बिल्कुल मैट्रिमोनियल साइट पर जाकर प्रश्न ढूंढेंगे, ये उस समय तो ये जमाना नहीं था ना, या फिर बस देखकर पसंद कर देंगे, नहीं उस समय ऐसा नहीं था। सावित्री ढूंढ रही थी लेकिन कौन धर्म परायण है वो ऐसा ढूंढ रहे थे, और उस समय नारद मुनि से उनको ये बात पता चली कि ये सत्यवान ये सही धर्म परायण है, लेकिन उनसे शादी करना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका आयु सिर्फ 1 साल है, और 1 साल ही वो जी लेंगे, बाद में वो मर जाएंगे। लेकिन सावित्री बोली नहीं, मैं मन में उनका पति के रूप में स्वीकार कर लिया हूं तो यही मेरा पति होंगे। सावित्री के साथ बताते हैं, देखिए उनके पिता को, न कामये भर्तो बिना कृता सुखम, न कामये भर्तो बिना कृता दिवम, न कामये भर्तो कृता बिना कृतास्यम, न भर्तृहीना व्यवसामि जीवितम्। ये यमराज को बताते हैं, जब यमराज आकर सत्यवान के जीवात्मा को लेकर जा रहे हैं उस समय लास्ट में, ये तो सब वर प्राप्त कर चुके हैं, सभी वर प्राप्त करने के बाद लास्ट में ये बात बोली, न कामये भर्तृ बिना कृता सुखम, स्वामी के बिना मुझे कोई भी सुख नहीं चाहिए, कुछ भी सुख नहीं चाहिए। न कामये भर्तृ बिना कृता दिवम, स्वामी के बिना अगर मुझे स्वर्ग को भी आप भेजेंगे तो भी मैं स्वर्ग को नहीं जाऊंगी। न कामये भर्तृ बिना कृता श्रियम, स्वामी को छोड़कर आप अगर लक्ष्मी देवी को भेज देंगे मेरे पास, मेरे घर में आकर लक्ष्मी देवी रहेगी तो भी मैं लक्ष्मी को नहीं जाऊंगी। देखिए सत्यनाथ का भाव कैसा है, न भर्तृ बिना व्यवसाय में जीवितम, स्वामी के बिना मैं जीवित रहने की भी नहीं इच्छा करती हूँ, तो हमरे मेरे स्वामी को दे दीजिए। तो कहने का तात्पर्य है उनका दीति का भाव भी ऐसा था पति के प्रति, वो कोई गलत बात नहीं बोल रही थी, वो सही बात बोल रही थी, लेकिन वो समय गलत था। अच्छा और क्या बताती है, देखिए क्या बताती है, पुरा पिता नो भवन भगवान दक्षो दुहित्रुवत्सल कंगृणीत वरं वत्सा इति अनुपृच्छत् न पृथक्। कहने का तात्पर्य है आप मेरे कामना को पूर्ण कीजिए,
पूर्ण कीजिए। क्यों? पूरा पितानो भगवान दक्ष दोहित्रवश्च, मेरे पिता भगवान दक्ष, दक्ष के पास भगवान शब्द लगाते हैं। भगवान क्यों? सब समर्थ। कैसे सब समर्थ? मतलब बल देने में भी वो समर्थ, श्राप देने में भी वो समर्थ, इसलिए भगवान दक्ष। और बताते हैं दुहित्रवश्च, दुहित्रवश्च क्यों बताते हैं? ये हर शब्द का कारण है। दुहित्रवश्च इसलिए बताते हैं कि मेरे पिता दक्ष हम कन्या को बहुत प्रेम करते हैं। वो पूछे थे कम गुणित वरम बच्चा इति अपृछत न पृथक। पहले विवाह पूर्व जगतपाल लिखते हैं किंच विवाह पूर्वम एव, विवाह से पहले हमारे पिता हमको एक एक करके सभी कन्याओं को पूछने लगी। क्या पूछने लगी? तुम किसी को शादी करने के लिए मन में किसी को चयन किए ही की? अगर कोई शादी के लिए अगर तुम्हारा पसंद कुछ है तो बताओ। ये भी ठीक है, ये शास्त्र में वर्णन ही ठीक है। प्रभुपाद महाराज बहुत सुंदर बात बताते हैं, अहं त्वयि अनुरागिणी इति प्रत्यक्षाय वाक्यं न भवितुम इति। अहं त्वयि अनुरागिणी इति, हम तेरा बहन सृष्टि साठ कन्या थे ना दक्ष के, साठ कन्याओं से तेरा कन्या हम आपके प्रति आकर्षित थे। हम सभी एक स्वर में बोले कि आपको मैं हम शादी करना चाहते हैं। ये बताते हैं अहम तो ही अनुराग, इसमें पता थे अपनी बात बताती है, अहम मैं आपको शादी करने के लिए मन में ऐसा चयन की थी। इस बात को लेकर आजकल अगर कोई सोचता है कि ठीक है उस समय तो ऐसा हो रहा था, आज भी ऐसा हो सकता है कि नहीं? हम भी अपने इच्छा से शादी करेंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। प्रभुपाद कितना सुंदर बात लिखते हैं, देखिए प्रभुपाद उनके पर्पोट में बहुत सुंदर बात लिखते हैं। द फ्री सिलेक्शन ऑफ ए हस्बैंड वॉज अलर्ड बाय द फादर बट नॉट बाय फ्री एसोसिएशन। बहुत सुंदर लिखती है, द फ्री सिलेक्शन ऑफ ए हस्बैंड वॉज अलाउड बाय फादर बट नॉट बाय फ्री एसोसिएशन। कन्या को ऐसी स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती है कि वो फ्री में मिल सकती है किसके साथ। देखिए क्या बोलते हैं, द डॉटर्स वर आस्क्ड सेपरेटली टू सबमिट द सिलेक्शन ऑफ ए हस्बैंड हु वाज फेमस फॉर हिज एक्ट्स एंड पर्सनैलिटी। कन्या को ऐसे चयन करने की स्वतंत्रता थी, अगर कोई ऐसा प्रसिद्ध व्यक्ति है उनके कर्म और स्वभाव से अगर कोई प्रसिद्ध है तो कन्या उसको पसंद कर सकती थी। लेकिन लास्ट में क्या बोलते हैं प्रभुपाद, देखिए द अल्टीमेट सिलेक्शन डिपेंडेंट ऑन द चॉइस ऑफ द फादर। लेकिन उनके पिता ही लास्ट को सैंक्शन करेंगे। तो ये पता थे एवं अनुग्रह संप्रक्ष्य नीति विरोध अपि न कर्तव्य। तो मेरा ये जो अनुरोध है ये नीति विरोध नहीं है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, दीप्ति बोल रही है कि आप मुझे पुत्र दीजिए। क्यों? क्योंकि विवाह पूर्व काले अस्माकं पिता, विवाह पहले उनके पिता उनको क्या पूछी थी ये बताते हैं। पिता हे बच्चा इति संबोध्य कं वरं पतिं गृणीत इति अस्मत् पृथक पृथक पृच्छति इति अन्वय। हर कन्या को पृथक पृथक हमारे पिता पूछे थे। कं वरं पतिं गृणीत, किसी को पति के लिए तुमने चयन किया है कि ये पूछते थे। मम अपमाने तस्यापि कोपो अवश्य स्यात् आशन आह द्वित्रवत्स। इस श्लोक में जो बताया गया है दुहित्रवत्सल क्यों बताया गया है, दुहित्रवत्सल इसलिए बताया गया है अगर आप मेरे बात को स्वीकार नहीं करेंगे तो मेरा अपमान होगा। अगर मेरा अपमान होगा तो क्या होगा, मेरा पिता दुहित्रवत्सल है, अपनी बेटियों को बहुत प्यार करते हैं तो आपके ऊपर कोप प्रकाश करेंगे।
कोप करेंगे। और ऐसे भी देखा जाता है पिता अपने बेटी को ज्यादा प्रेम करते हैं, है कि नहीं, माँ बेटा को ज्यादा प्रेम करते हैं, ऐसा तो दोनों ठीक है, लेकिन ज्यादातर से ऐसा देखा जाता है कि नहीं प्रभु जी। सच में ऐसा वर्णन है देवजानी, देखिए शुक्राचार्य के आप देखेंगे लीला, तो देवजानी को शुक्राचार्य इतना प्रेम करते थे इसलिए अपनी जमाता को भी पवित्र साथ दे दी, अपनी जमाता को साथ दे दी कि नहीं, देवजानी के लिए बुढ़ा हो जाओ साथ दे दी। तो ये बोलते हैं ठीक है, तो मेरा पिता बोलते हैं ना भगवान दक्षो, भगवान दक्षो क्यों, क्योंकि वो वर और साथ देने में दक्ष है, दक्ष अगर क्रोध करेंगे तो वर साथ भी दे देंगे, दक्ष ने साथ दिया था, किसको दिया था मालूम है, दक्ष साथ दिया था किसको, हाँ जी शिव जी को, अच्छा और हाँ जी नंदी को, और दक्षिण साथ दिया था। जैसे इस सिलसिले में एक बात आ रहा है, दक्ष के और भी कन्या थे, दक्ष के 27 कन्या को और एक आदमी शादी किए थे, 13 कन्या को तो कश्यप ने शादी किए थे, दुहित्र वत्सल के स्तर पर हम ये बात कर रहे हैं, दक्ष अपने कन्या को कैसे प्रेम करते थे, कैसे प्यार करते थे, मतलब ये जो वत्सल्य भाव है, तो दक्ष के 27 कन्या शादी किए थे किसको, चंद्रमा को, चंद्रमा को दिए थे, चंद्रमा को उनके 27 कन्या दिए हैं, लेकिन चंद्रमा चंद्रमा आज जो हम देखते हैं चंद्र, ये चंद्र है उनका एक देवता है चंद्र सोम, तो उन्होंने 27 कन्याओं में एक कन्या को ज्यादा प्यार करते थे, किसको, रोहिणी नाम की कन्या, रोहिणी बलदेव की माँ, रोहिणी नहीं वो दूसरा रोहिणी, रोहिणी कल हम पूछ रहे थे, रोहिणी तो बहुत है, तो रोहिणी एक दक्ष के कन्या भी थे, 27 कन्या को शादी किए थे चंद्र ने, लेकिन ज्यादा प्यार करते थे रोहिणी को, इसीलिए दूसरा 26 कन्या दक्ष को जाकर ये बात बता रहे, बता दी कि देखिए आप हमको एक आदमी को प्रदान किए हैं, लेकिन वो सिर्फ रोहिणी को ही प्रेम करते हैं, हमको बिल्कुल पूछते ही नहीं, तो दो बार दक्ष ने जाकर समझाया चंद्रमा को, देखिए ये सही नहीं है, आपका 27 पत्नी है ना, तो सभी को प्रेम करना चाहिए, एक पत्नी को ज्यादा प्रेम करते हो दूसरे को प्रेम नहीं करते वो तो दुखी हो जाते हैं, ऐसा ठीक नहीं, ऐसा करना नहीं चाहिए, एक बार समझा कर आगे, लेकिन कोई चेंज नहीं हुआ, फिर बाद में दोबारा जाकर समझाए फिर भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लास्ट में वो अभिशाप साथ दे दिए, क्या साथ दिए मालूम है, जख्मा, जख्मा रोग, जख्मा इंग्लिश में क्या, टीबी, टीबी है ना, टीबी, टीबी नो, टीबी, क्षय हो जाना, नहीं क्षय बाद में, जख्मा हुआ, जख्मा रोग दे दी, इसीलिए चंद्रमा को जब जख्मा हो गया, इसलिए चंद्रमा सभी वनस्पतियों का राजा है, इसलिए सभी वनस्पति क्षीण हो गए, तो जगत में सभी प्राणी का स्वास्थ्य भी हानि हो गया, इसलिए सभी देवता लोग जाकर फिर प्रार्थना करने लगे, बाद में चंद्रमा को बताया गया ठीक है आप एक काम कीजिए, ये जख्म ठीक हो जाएगा, आप जाकर सरस्वती नदी में जाकर स्नान कीजिए, बाद में चंद्रमा जाकर सरस्वती नदी में स्नान किए, स्नान करने के बाद उनका स्वास्थ्य ठीक हुआ, लेकिन दक्ष ने ये बात भी बता दिया ठीक है आपने तो स्नान कर दिया ठीक हो गया, लेकिन ये बात सभी समय के लिए बराबर रहेगा कि आप ऐसा गलत गलती किए थे, आपको ऐसा साथ मिला है,
इसलिए आपका क्षय रोग होगा। इसलिए चंद्रमा देखिए 15 दिन के लिए क्षय होते हैं, फिर बाद में 15 दिन के लिए थोड़ी फिर वृद्धि होते हैं। ये दक्ष का श्राप है, दक्ष इसलिए कहा कहते हैं सामर्थ्यवान दक्ष भगवान, सामर्थ्यवान को श्राप दे देते हैं। और एक आदमी को भी श्राप दिए थे, बहुत श्रेष्ठ आदमी को, जैसे चंद्रमा को श्राप दिए हैं और एक आदमी को श्राप दिए हैं, किसको मालूम है? नारद मुनि को। नारद मुनि को कोई श्राप दे सकता है, लेकिन दक्ष ने नारद मुनि को भी श्राप दिया है। क्यों मालूम है? ये पहले की बात है, सुनना भी चाहिए। हाँ, ये दक्ष का जो 60 कन्या थे, ये कन्या क्यों हुए? कन्या नहीं, पहले पुत्र थे। दक्ष पहले पुत्र बनाए थे, 10,000 पुत्र। हाँ, दस हजार पुत्र बनाए थे। प्रचेत तो 10 है, 10,000। बहुड़ास्व हरिजस्व 10,000 पुत्र बनाए, क्योंकि उनका काम क्या? सृष्टि विस्तार करना है ना। लेकिन 10,000 पुत्र बजाकर नारद मुनि ने जाकर प्रवचन दे दिया। प्रवचन देकर ऐसा प्रवचन दिया, 10,000 पुत्र एक साथ बिल्कुल संसार को छोड़कर बाबा जी बन गए नारद मुनि के प्रवचन से। दक्ष वहां बिल्कुल अपेक्षा करके रख रहा है, कहां गए मेरे पुत्र? आकर शादी करेंगे, संसार विस्तार होगा, सृष्टि विस्तार होगा। उनके लिए शादी के लिए कन्या को ठीक करके वो रेडी होकर वेट कर रहे थे, लेकिन वो उधर से बस चले गए मधुबन में। फिर दक्ष ने दूसरा बार दूसरा लॉर्ड ने 1,000 पुत्र उत्पन्न किए। नारद मुनि आकर फिर वो 1,000 पुत्रों को फिर पिछिंग गया, पिछिंग करके और ज्यादा पिछिंग नहीं किया, बस एक ही बार पिछिंग किया। देखो छोटा भाई का काम क्या है, छोटा भाई का काम क्या है? बड़ा भाई जो रास्ते में चलते हैं, छोटा भाई उनके रास्ते को चलना चाहिए, उस रास्ते पर चलना चाहिए। बस ऐसा समझा दिया, वो 1,000 पुत्र वो भी सब साधु बन गए, बाबा जी हो गए। दक्ष फिर सोचने लगा, कहाँ गए मेरे पुत्र सब? बाद में पता चला ये नारद का काम है, इसलिए वो नारद को श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया मालूम है? श्राप दिया, ठीक है नारद मुनि ऐसा प्रीचिंग करते हैं ना, प्रीचिंग करके साधु बना देते हैं सभी पुत्रों को, ठीक है वो प्रीचिंग करते हैं, एक जगह पर रहेंगे तो प्रीचिंग करेंगे ना। मैं उनको श्राप दे रहा हूँ, वो नारद मुनि आज से एक जगह पर कहीं भी नहीं रह पाएंगे, इसलिए नारद मुनि एक जगह पर नहीं रह पाते हैं, घूमते हैं बस इधर उधर घूमते हैं। नारद मुनि को ये बात जब पता चला, नारद मुनि बहुत खुश हो गए। क्यों मालूम है? नारद मुनि खुश हो इसीलिए कि ठीक है बहुत अच्छा हुआ, एक जगह पर अगर रहूंगा तो कुछ आदमी का भक्त बनाऊंगा। लेकिन तो दक्ष के ये श्राप नहीं, ये कृपा है। है बहुत जगह भ्रमण करूंगा, सभी भक्तों को सभी लोगों को प्रीचिंग करूंगा और उनको भक्त बनाऊंगा। श्रील प्रभुपाद बताते हैं हमारे ऊपर भी दक्ष का अभिशाप है, श्राप है। श्रील प्रभुपाद ये बात बताते हैं, आप देखिए पढ़िए भागवत में, ऐसे प्रभुपाद डायरेक्ट लिखे हैं, मेरे ऊपर भी ऐसा श्राप लगा है। किसका श्राप लगा है मालूम है? नहीं दक्ष का नहीं, किसका श्राप है? दक्ष का, नारद के ऊपर श्राप था। प्रभुपाद बताते हैं मेरे ऊपर श्राप है किनका? नहीं नहीं, जो सब डिवोटी मतलब जो सब ब्रह्मचारी बन गए हैं उनके पिता का श्राप मेरे ऊपर है। प्रभुपाद ऐसे बताते हैं, जो सब ब्रह्मचारी बन गए हैं उनका पिता का मेरे ऊपर श्राप है, ऐसा कि ये बाबा एक जगह पर नहीं टिक पाया। ये भी प्रभुपाद देखिए सारे विश्व में उनका सेंटर है, इस्कॉन मंदिर सब सभी जगह पर है, लेकिन प्रभुपाद किधर भी 3 दिन से ज्यादा नहीं रह पाए। तो इस सिलसिले में ये बताते हैं कि मेरे ऊपर भी श्राप है, ये दक्ष का बात बताते हैं। तो जो भी हो वो बताती है
कि मेरे पिता ऐसा है दुहित्र वत्सल, इसलिए अगर मेरे पिता को पता चल गया तो आपके ऊपर क्रोध प्रकाश करेंगे। स्विदित्वात्मजानन्न भाव संतन भावन त्रयोदश अवदत्ता संजस्ते शील मन प्रता। बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। स्विदित्व आत्मजानन न भावन संतान भावन, पहले हम सुन चुके हैं ना, दक्ष ने एक एक करके सभी कन्याओं को पूछे कि तुम किसी को शादी करने की इच्छुक हो, ये बात पूछ रहे थे। ये बता दें, स्विदित्व आत्मजानन न भावन, हम कन्याओं का भाव को उनको पता चला। स्विदित्व वो जान गए, कैसे जान गए, हमारा भाव कन्या क्या चाहती है पिता कैसे जानेंगे। चतुर्थ पद बताते हैं, न भावम हमारा भाव, लज्जया त्वत्नाम अनुकूलितम अपि अस्माकम् इंगितेनैव जनांतर द्वारा सहसा ज्ञातव्यति इत्यर्थः। क्योंकि कभी तो ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, कभी कोई कन्या अपने पिता को बोलेगा मैं उनसे शादी करने के लिए इच्छुक हूँ, तो नहीं बता पाएगा। आजकल हो सकता है, लेकिन शास्त्र में तो ऐसा बिल्कुल वर्जित है। तो कैसे बताएंगे, लज्जा तो नाम अनुग्रहिता, आपके नाम हम लज्जा से नहीं ले पाई। अभी अस्माकम इंगित है जनांतर द्वारा सहसा ज्ञानता, अर्थ जनांतर मतलब दूसरे व्यक्ति के माध्यम से इंगित मात्र से हम लोग आपसे शादी करने के लिए इच्छुक है, ये बात हमारे पिता को पता चल गया था उस समय। प्रभुपद महाराज बहुत सुंदर बात लिखते हैं यहाँ। देखिए भागवत का कैसा सिद्धांत है, और ये है भागवत का शिक्षा। प्रभुपद कैसे लिखते हैं देखिए, जनरली द डॉटर्स वर टू शाय टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन बिफोर देयर फादर, है कि नहीं, अपनी मन के भाव को पिता के समक्ष प्रकट करना, ये कह देना, ये तो कन्या के लिए तो बहुत लज्जा का विषय है। But the father would accept the daughter's intentions through someone else, such as a grandmother to whom the grandchildren had free access. प्रभुपद कितना बात सुंदर बात लिखते हैं। लेकिन एक कन्या पिता के समक्ष इतना फ्री नहीं हो पाती है, लेकिन अपने ग्रैंडमदर क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, दादी या फिर ताई, उनके साथ तो फ्री हो सकती है ना, उनको बता सकती है। तो देखिए शास्त्र में ऐसा ये बताते हैं, जनांतर द्वारा सहसा ज्ञानता इति इत्यर्थः। जनांतर मतलब दूसरे व्यक्ति के द्वारा, दूसरे व्यक्ति के माध्यम से मनोभाव को पिता जान सकते थे, ऐसे जान लिए, ऐसे बताते हैं। ये है संस्कार। आजकल तो ये संस्कार सब बिल्कुल तो लोग भूल गए हैं। पहले ऐसा था, अगर कोई कन्या किसी को शादी करने के लिए इच्छुक थे वो ठीक है, लेकिन पिता को वो डायरेक्ट नहीं बता दिए, वो दूसरे के माध्यम से, और पिता ये बात को समझ सकते थे दूसरे के माध्यम से। पहले तो हम प्रभुपाद के प्रपोर्ट को हम पढ़े हैं, ये नहीं कि अपनी इच्छा से हम शादी कर देंगे, नहीं नहीं नहीं, सब कुछ डिपेंड करता है पिता के ऊपर है, पिता ही सैंक्शन करेंगे तभी तो ठीक होगा, नहीं तो नहीं। जैसे कि ये सती नारी का कर्तव्य है, ऐसा नहीं आजकल क्यों, ये मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, कोई दूसरा समझने की नहीं कोशिश कीजिएगा, आजकल जो डाइवोर्स होता है क्यों होता है, क्यों होता है, अपने अपने स्वभाव के हिसाब से दोनों ने शादी किया था ना, अपने आप को क्या बोलते हैं, अपने आप पसंद करते हुए उन्होंने शादी किया था, ठीक है, तो डाइवोर्स क्यों होता है, संस्कार नहीं है। शास्त्र में सबन उस सावित्री देवी बोलती है, पति एक ही बार चयन किया जाता है, एक बार बस जीवन में, एक बार जो भी कार्य करते हैं एक एक बार, बहुत सारा कार्य है जो कि एक एक बार किया जाता है, शादी एक बार किया जाता है, पति पति के स्वरूप में एक बार ही किसको चयन किया जा सकता है। जैसे कुछ बात हम बोलते हैं एक ही बार, मतलब अगर कोई बात चला गया है तो उसको पकड़ कर चलना चाहिए, बहुत सारे चीजें शास्त्र में ऐसा वर्णन है,
पति को ऐसा, इसलिए देखिए देवहूती, देवहूती जब शादी किए, देवहूती किसको शादी किए थे? कर्दम मुनि को। देवहूती का स्थिति कैसा देखिए, हो सकता है अपने चॉइस में शादी हो या फिर पिता के चॉइस में शादी हो, लेकिन जो हो वो जीवन में बिल्कुल टिक कर रहना चाहिए, डाइवोर्स नहीं। देवहूती ने शादी किया था कर्दम मुनि को, वो शादी कौन फिक्स किए थे? उनके पिता, हाँ जी, उनके पिता स्वयं वो मनु फिक्स किए थे। कर्दम मुनि भी देखिए, ये हमारा संस्कार है आजकल, क्या बोले, आजकल सभी चाहते हैं कि हमारा पत्नी अच्छा हो, है कि नहीं, हमको अच्छा पत्नी मिले। जैसे गुरुजन भी ये चाहते हैं हमको अच्छे बहू मिले, लेकिन कोई भी नहीं चाहता हमारा बेटी भी अच्छे बने। हमारा बेटी अगर अच्छे बन जाएंगी तो वो भी किसी का बहू बनेगी ना एक दिन, है कि नहीं। हम अच्छे बहू चाहते हैं तो हमारा बेटी भी किसका बहू होकर जाएगी ना, तो वो भी अगर ठीक हो जाएगी तो वो भी बहू बनेगी ठीक से, तो संसार में तो सभी अच्छे बहू बनेगी। ये होना चाहिए, पति को ऐसे दृष्टि में देखना चाहिए। इसीलिए देखिए कर्दम मुनि भी शादी करने के लिए वो भी तैयार थे। आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, कर्दम मुनि शादी करने के लिए तैयार थे, लेकिन शादी से पहले उन्होंने क्या क्या था मालूम है? शादी से पहले क्या किया था? तपस्या किया था। कितने साल? सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, 10,000 साल। 10,000 साल तपस्या किए थे एक अच्छी पत्नी मुझे मिले। कौन करता है आजकल? दस हजार साल तपस्या किए थे मुझे एक अच्छी पत्नी मिले, भगवान को प्रसन्न कर दिए, भगवान प्रसन्न होकर आकर उनको दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद भगवान के पास वो अपने मन की बात बताते हैं, तथा सचाहं परिवोढु कामं समामशीला गृहमेधधेनुं, तथा सचाहं परिवोढु कामं, हे प्रभु मैं शादी करने के लिए चाहता हूं। अरे भगवान को ये बात मांगा जा सकता है, लेकिन वो ये बात भगवान को मांग रहे हैं, मैं शादी करने के लिए चाह रहा हूं, क्यों? क्योंकि मुझे ब्रह्मा जी ने आदेश दिए कि सृष्टि विस्तार करो। कर्दम भी एक प्रजापति थे, दक्ष जैसे प्रजापति है, कर्दम भी एक प्रजापति है, तो मुझे भी आदेश मिला है कि शादी करो और सृष्टि को विस्तार करो, तो मैं शादी करने के लिए चाह रहा हूं, मेरा इच्छा है, तो आप कृपा कीजिए मुझे अच्छी पत्नी दीजिए। भगवान को ये बात मांग रहे हैं, अच्छी पत्नी मतलब समानशीला गृह में, समानशीला मेरा चित जैसा, मेरा चिंताधारा, मेरा भावना जैसा है वैसा भाव विशिष्ट पत्नी मुझे मिले। जिस परिवार में पति पत्नी के भाव एक है वो परिवार, वो स्वर्ग जैसा सुख उनको एक यहां मिलता है। पति के भाव, पत्नी के भाव एक होना चाहिए, एक होने से परिवार में सुख आएगा। पति जो बात बोल रहे हैं, पत्नी अगर समर्थन नहीं कर रहे हैं, उनको जबकि उनको अगर स्वीकार नहीं करते हैं तो ये स्पार्क होगा और क्या, पॉजिटिव नेगेटिव अगर लगेगा तो क्या होगा, स्पार्क होगा। अभी तो आज खुद ऐसा हो रहा है और क्या है कि नहीं। आप देखिए पंच पांडव और द्रौपदी के बीच कभी भी झगड़ा करता कहीं देखे हैं महाभारत में? कहीं देखे हैं द्रौपदी ने कभी भी अपने पति से बोले ऐसा आपको कोई दिखता है? कोई बोले अरे तुम मेरा कैसा पति हो, जब दुर्योधन के आदेश से दुशासन ने जब हमारा वस्त्र हरण करने के लिए कोशिश कर रहे थे तुम वहां थे लेकिन हमको सुरक्षा नहीं दे पा रहे, ऐसा कभी भी द्रौपदी के मुख से आया? कभी सुने हैं? कभी भी नहीं। पति पत्नी का भाव कैसा होना चाहिए? सीतामा का भाव कैसा देखिए? सीतामा ही पत्नी नहीं, रामचंद्र महाप्रभु की पत्नी। जब रामचंद्र महाप्रभु को वनवास करने के लिए आदेश मिल गया, वो तो आदेश तो दशरथ तो नहीं दिए,
फिर भी कैकेयी का तो ऐसा डिमांड था, इसलिए रामचंद्र महाप्रभु को तो वनवास जाना पड़ा है। लेकिन जब राम वनवास के लिए तैयार हो गए थे, उस समय सीता माँ भी निकलने के लिए तैयार होगी, वो भी चलने के लिए तैयार होगी। उसमें सभी सभी मना कर रहे, अरे सीता तुम क्या जाने के लिए तैयार हो रहे हो। वो बहुत सारा कन्वर्सन हुआ है। सीता माँ जिस जिस को जिन जिन लोगों ने सीता माँ को समझाने की कोशिश की है, उसमें सीता माँ ने बहुत सुंदर सुंदर युक्ति देकर उनको सब समझा दिया, नहीं मुझे जाना पड़ेगा, मेरा जाना सही है। और बाद में प्रभु जी भी मना किए, स्वयं रामचंद्र स्वयं मना किए, बोले नहीं नहीं तुमको जाना नहीं चाहिए। अरे सीते तुम जाओगे वन को जाओगे, वन क्या कुसुमित पथ है, वो कंटकित पथ है, वो कांटा है, कंकड़ है, उधर बिना क्या बोलते हैं पदत्राण, बिना जूता के चलना पड़ेगा, तुम इसे जा सकोगे। लेकिन उन्होंने क्या बताया मालूम है, वाल्मीकि रामायण का कैसा सुंदर सिद्धांत देखिए, ये कहने का तात्पर्य क्या मालूम है ना, इधर ये बताती है त्रयोदश अवदत्ता संग जस्ते शीलम अनुप्रता, हम त्रयोदश आपको शादी किए हैं, मतलब हम त्रयोदश कन्या को हमारे पिता ने आपको दिए थे, और हम सभी कैसे हैं शील प्रता, मतलब हम सब सुस्वभाव विशिष्ट है, शीलम अनुप्रता, शीलम हम सब शील है, अनुप्रता है, अनुगत है, विश्वस्त है, ऐसा नारी होना चाहिए। मतलब देखिए ये बात हम चर्चा कर रहे हैं, दीति जाकर निवेदन कर रहे हैं अपने पति के समक्ष, लेकिन कैसा बता रही है, अपने स्वभाव के बारे में बता रही कि हम सब अनुव्रत है, हम सब सुशील स्वभाव विशिष्ट है, हमारे पिता ऐसे हैं, तो मेरी कामना को पूर्ण कीजिए। तो ये सुशील होना चाहिए, ये बात हम पुष्ट कर रहे हैं, ये बात हम बता रहे हैं, सुशील होना चाहिए, खास करके पत्नी को ऐसे सुशील होना चाहिए, पति को भी, पत्नी को ऐसे सुशील होना चाहिए। सीता माँ क्या बोल रही है, रामचंद्र मुझे पता है, नहीं नहीं तुम रहो इधर रहो, जंगल में नहीं भ्रमण नहीं कर पाओगी। उस समय सीता माँ क्या बोलते आते हैं, देखिए सुशील स्वभाव कैसा है, यदि तुम प्रस्थिते दुर्गम वनम अद्यैव राघव अग्रतस्ते गमिष्यामि मृणन्ति कूर्शकण्टकान्। बोलती है यदि तुम प्रस्थिते दुर्गम वनम अद्यैव राघव, हे राघव आप वन को जाएंगे ना, आप वन को जाएंगे, मैं ऐसे इधर नहीं रह पाऊंगी, अगर इधर रहूंगी मुझे कुछ सुख नहीं मिलेगा। तुलसीदास भी ये बात बताते हैं, देखिए सुशील स्वभाव कैसा है, पति के प्रति कैसा भाव होना चाहिए। सीता माँ क्या बताते हैं, देखिए तुलसीदास भी कैसा बताते हैं, भोग रोग सम भूषण भारो जम जातना सरिस संसारो प्राणनाथ तुम बिनु जग माही मोकहुं सुखद कतहुं कछु नाही। सीता माँ का भाव कैसे, भोग रोग सम भूषण भारु, आप वन को चले जाएंगे मैं इधर रहूंगी महल में रहूंगी, ये महल में रहकर जितना भोग में भोगूंगी ये भोग मेरे लिए क्या हो जाएगा, रोग सम भोग रोग जैसा हो जाएगा, ये भोग भोग नहीं होगा रोग हो जाएगा। भूषण जितना भूषण मैं पहनूंगी ये भूषण मेरे लिए क्या होगा, भार हो जाएगा। आपके बिना पति के बिना पत्नी का भाव कैसा है, ये है सुशील स्वभाव नारी का, ये भाव होना चाहिए पति के लिए। भोग रोग सम भूषण भारो तुम बिना जम जातना सरिस संसारो, ये संसार में जितना भी सुख मिलेगा ये सब जम जातना जैसा हो जाएगा, कोई ऐसा बोल सकता है, मतलब कैसा भाव है सीता माँ का, ये सोचने वाली बात है। और क्या बोलते हैं, प्राणनाथ तुम बिनु जग माही मोकहुं सुखद कतहुं कछु नाही, आप मेरे प्राणनाथ है, आपके बिना मुझे कुछ भी सुख नहीं मिलेगा, मैं वन को जाऊंगी आपके साथ जाऊंगी। प्रभु जी बोले अरे तुम जाओगे
वहाँ बहुत सारा कष्ट है। बोले नहीं नहीं कष्ट नहीं, आपके सहायिका बन के आपके सेविका बन के मिल जाऊंगी। सेवक को तो कष्ट मिलेगा, सेविका सेवक ये तो सब कष्ट झेलने के लिए तो है ना। जैसे उड़िया में कहावत है कष्ट, उड़िया में कहावत है ना कष्ट कल पुष्ट मिले। हिंदी में क्या होता है, हिंदी में क्या हो सकता है ये बात? नो पेन नो गेन, इंग्लिश में जैसा कहावत है। सेवक के लिए तो ये कष्ट तो होगा, जो सेवा करते हैं वो कष्ट में भगवान प्रसन्न होंगे। जैसे प्रभु जी के लिए जो बना रहे थे क्या सेतु बना रहे थे, क्या उनको कष्ट नहीं हो रहा था? उस समय कष्ट हो रहा था ना, भगवान उनके ऊपर प्रसन्न हुए कि नहीं हुए? जितने वानर वहां सेवक के लिए सेवक बनकर वहां सेवा कर रहे थे, भगवान उनको कृपा की है कि नहीं? है कि नहीं? कब कृपा की? कृष्ण अवतार में कृपा की है। इसलिए भगवान जो माखन चोरी कर रहे थे किसके लिए? बंदरों के लिए। माखन चोरी करके बंदर को देते थे, अब बंदर खाने वाले थे माखन। कोई बंदर तो माखन नहीं खाया, इसलिए वो मटके को लेकर पटक देते हैं। अरे मैं तुम्हारे लिए चोरी करता हूँ, तुमने इतने परिश्रम किया था मेरे लिए, मैं तुमको माखन देना दिलाने के लिए चोरी किया हूँ, लेकिन तुम माखन नहीं खा रहे हो। सभी गोपी आज और माँ यशोदा से ये बात को लेकर शिकायत करते थे कि देखो तुम्हारा लाला ऐसा करता है, माखन लेकर खाता है। ठीक है उनको खाना ठीक है, वो तो शोभा देता है, लेकिन वो बंदर को देता है माखन खाने के लिए। बंदर माखन खाने के लिए वो खाएंगे? नहीं खाएंगे तो वो बिल्कुल हमारा मटके लेकर पटक देता है। देखिए कहने का तात्पर्य ये था, सेवक के लिए तो कष्ट आएगा। सेवा में जितना कष्ट आता है, भक्तिमय ठाकुर का भाव भी ऐसा है, भगवान की सेवा में अगर हमको कुछ कष्ट मिलता है तो वो अच्छा है। तुम्हार सेवा है दुख है जत सीत परम सुख, सेवा सुख दुख परम संपद नासई अविद्या दुख। तुम्हार सेवा है दुख है जत, आपकी सेवा में जितना दुख आ रहा है ये परम सुख है। पत्नी का ऐसा भाव होना चाहिए, ऐसा बताते हैं मो कहूं सुखद कतहूं किछु नाही, आपको छोड़कर मेरा कोई सुख नहीं है, मैं जंगल को जाऊं वन को जाऊंगी। अच्छा कैसे जाऊंगी? आपकी सेवा के लिए जाऊंगी। इसलिए बताते हैं अग्रतस्ते गमिष्यामि मृणन्ति कुशकंटकान्, वन को तो आप जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे जाऊंगी, ऐसा नहीं बोल रही है। अग्रतस्ते मैं आपके आगे आगे जाऊंगी। आगे आगे क्यों जाऊंगी? आगे आगे जाऊंगी देखूंगी जिधर सब कंटक है ना, कांटा है, वो कांटा को क्या करूंगी, सफाई करूंगी। नहीं बोल रही है, क्या बोल रही है देखिए, सीता माँ का भाव देखिए। अग्रदस्ते गमिष्यामि मृणन्ति कुशकंटकान्, मैं वो सब कंटक को मैं खुद अपने पैर में लगाकर साफ कर दूंगी, मतलब आपके लिए रास्ता परिष्कार कर दूंगी। जितना भी आपके लिए जो कष्ट है ये कष्ट को मैं झेल लूंगी। ये है भाव, ये है सुशील भाव। कहने का तात्पर्य सुशील भाव ऐसा है। तो दीति ऐसा बोलती है, क्या बोलती है, त्रयोदश अदता तासन जस्ते शिरम अनुप्रदा, त्रयोदश हम त्रयोदश कन्या आपको ऐसे पति के रूप में स्वीकार किए हैं, हमारा पिता तो आपके हस्त में हमको निवेदन कर दिए हैं, तो हम कैसे शिरम और अनुप्रदा, शिरम सत्स्वभाव स्वस्वभाव सुस्वभाव, अगर कोई उग्र स्वभाव विशिष्ट होगा तो जो भी हो पत्नी हो या फिर पति हो, घर में अगर कोई उग्र स्वभाव विशिष्ट वाला हो जाएगा तो उस घर में कभी शांति नहीं मिलेगा, है कि नहीं? उग्र स्वभाव वाला कभी शांति पा सकता है? कभी नहीं। क्यों? क्यों उग्र स्वभाव वाला उनका क्रोध जो आएगा, क्रोध आने से क्या होगा, क्रोध आने से पहले अपने आप को जलाएगा, क्रोध पहले अपने आप को जलाता है, वो कष्ट पाता है। इसलिए क्रोध बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, उग्र स्वभाव छोड़ देना चाहिए, शांत सुशील होने के लिए प्रयास करना चाहिए। हाँ ये है, हम सोचने से तो ये गुण नहीं आएगा,
हम सोच कर तो ये स्थिति को नहीं पा सकते हैं, इसलिए भगवान को प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु हमारा चित्त को आप शुद्ध कीजिए। तो ऐसे बताते हैं। अच्छा, अगर ये बताएंगे, अगर कश्यप मुनि पूछेंगे ननु स्व रमणार्थं सायं चत समाधि भंगे जतमान अहंतं कथं मत समशील इति। अच्छा, तुम अपने आप को सुशील बोलते हो, ऐसे कैसे सुशील स्व? ये तो सुशील स्व जैसा दिखाई नहीं देता। क्यों दिखाई नहीं देता? ननु स्व रमणार्थं, रमण के लिए सायं, शाम के समय में, संध्या काल में जब समाधि भंगे, मेरे समाधि को भंग करते हुए आकर जाचमाना, ये निवेदन कर रहे हो और बोलते हो मैं सुशील स्वभाव विशिष्ट हूँ। देखिए कश्यप कैसे बताते हैं, कैसे पूछते हैं, शाम के समय में मेरा समाधि को भंग करके आकर ये निवेदन कर रहे हो और बोलते हो सुशील स्वभाव विशिष्ट, ऐसा कैसे हो सकता है? बोलते हैं नहीं नहीं, अथ मे कुरु कल्याणं कामं कमललोचन आर्तवसर्पणं भुमनं भुमन अमोघं हि महीयसी। बोलते हैं अथ मे कुरु कल्याणं, नहीं नहीं, आप मेरा कल्याण कीजिए, मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ। वो बताती हैं मुझे भी मालूम है ये समय ये सही नहीं, ये गलत है, ये मुझे मालूम है। और क्या संबोधन कर रहे हैं, देखिए अपने पति को संबोधन कर रहे कमल लोचन, हे कमल लोचन, आर्त उपसर्पण भूमन अमोघं ही महीयसी। आप तो महत् पुरुष है, मैं आर्ता हूं, मैं दुखी हूं, मुझे कष्ट हो रहा है। इसलिए जो आर्ता है, आर्त के लिए कोई समय पाबंध नहीं है, समय का बंधन नहीं है, ये तो आपको ही मालूम है। तो मैं आर्त हूं, संप्रति अहम आर्ता, किं करोमि न आर्त काल अपेक्षत इति शास्त्रम त्वं परम दयालु जानस्य एव इति भाव। मैं आर्त हूं, आप तो शास्त्र क्या है, न आर्त काल अपेक्षते, शास्त्र में सब ने आर्त को कोई समय नहीं दिखता, आर्त के लिए कोई समय नहीं है। जैसे एक एग्जांपल देने से पता चल जाएगा, अगर कोई आर्त है, दुख पा रहा है, रात के समय सभी लोग सोते हैं, उस समय कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, वो आर्त हो जाएगा। शास्त्र में वर्णन है कोई अगर सोया है उनको उठाना जगाना ये सही नहीं है, गलत बात है। लेकिन अगर किसी को दुख आ रहा है, अगर किसी के घर डकैत घुस गए या फिर क्या दिक्कत हो गया, उनके घर में तबीयत कुछ खराब हो गया है, स्वास्थ्यगत कुछ समस्या हो गया है, क्या वो दूसरों को नहीं उठाएगी, दूसरों को नहीं जगाएगी? क्योंकि वो आर्त है, उस समय वो कष्ट में है ना, उस समय स्थान स्थिति ये सब नहीं देखा जाता, वो कष्ट में है। वो खुद बताती है कि मैं आर्त हूं। इसीलिए देखिए ये भी सोचने वाली बात है, कश्यप कितना समस्या को सामना कर रहे हैं, अपना तपस्या भी है, समाधि में है, यज्ञ स्थल में है, इधर पत्नी का निवेदन भी है, क्या करेगी? समाधि को पकड़ कर रहेंगे या फिर पत्नी को संतुष्ट करेंगे, क्या करेंगे? क्या उनको ही मालूम है कि परिस्थिति बिल्कुल जटिल है, उनको ही मालूम है। बाद में क्या हुआ, इति तं वीरमारीच कृपणं बहुभाषिणीं प्रत्याह अनुनयं वाचा प्रप्रधानं कर्मसं। इति तं वीर, हे वीर, हे विदुर, ऐसे मारीच कश्यप को कृपणं बहुभाषिणं, बहुभाषिणं बहुत बात ऐसे बोले। कौन बोले? दीति ने, दीति ने इस बात बहुत बात बोली। ज्यादा बोलना अच्छा नहीं है, लेकिन उनका स्थिति ऐसा था, नारी के लिए ज्यादा बात करना ये सही नहीं, ये ठीक नहीं है। जितना कम, नारी हो पुरुष हो जो भी हो, जितना कम बात करेंगे उतना अच्छा है, खास करके नारी के लिए, जितना कम बात करेंगे उतना अच्छा है। जितना कम मतलब क्या, मुंह बंद कर देंगे, मौन हो जाएंगे? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है
लेकिन जितना आवश्यक है उतना बात करना ठीक है। और शास्त्र में ऐसा वर्णन है, विज्ञान में भी ऐसा वर्णन है, अगर हम बात को संयम करेंगे तो मन स्थिर रहेगा। जो बात संयम है, जो बहुत कम बात बोलते हैं उनका मन स्थिर रहता है, जो बहुत बात बोलते हैं वो बोल सकते हैं बहुत उनका ज्ञान से बहुत बात बोल सकते हैं लेकिन मन स्थिर नहीं हो पाएगा। स्थिर मतलब मन के पास मन नहीं लगेगा, मन के चरण कमल पर मन नहीं स्थिर होगा, ये सही है। तो ये बहु भाषण प्रत्याह अनुनयन वाचा, बाद में प्रत्याह उनको बोले, कौन बोले, कश्य बोले, कैसे बोले, अनुनयन वाचा, अनुनय विनय को बोलना बिल्कुल उचित नहीं था उनके लिए, फिर भी बोले, मतलब वो उनको समझाने के लिए बताए, क्यों बताए, इसका कारण भी है। अनुनयन वाचा, अनुनय विनय करके मतलब उनको प्रशंसा करते हुए बोले, जो प्रशंसा करते हुए जो बोले वो बात जितना बोले वो सब ठीक बात बोले, लेकिन वो उनको बारण करना चाहिए था उस समय। देखिए चक्रवर्ती बताते हैं, यदि कृत्रिममपि कोपम दर्शयिष्य, यदि कृत्रिममपि, कृत्रिमम माने क्या बोलते हैं, जो आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियली भी, हाँ हिंदी में क्या होगा, कृत्रिम, कृत्रिम से भी हो, अगर क्रोध प्रकाश करते हुए उनको डांट देते तो चुप हो जाती ना, है कि नहीं, अगर वो डांट देती, अरे शाम के समय क्या बोल रहे हो, अगर वो डांट देती तो चुप हो जाती, ये सब होता है चक्रवात। तदा तस्य काम पीड़ा भी भीता अंतर्ध्यस्यति एव इति भाव, उनका जो काम पीड़ा है अगर पति डांट कर बोल देते तो वो काम पीड़ा भी प्रशमित हो जाता उस समय, है कि नहीं। कभी कभी भी डांट कर बोलना चाहिए, इसका मतलब नहीं कि हर समय हम डांट कर बोलेंगे, नहीं नहीं, ये जो स्थिति है ये धर्म स्थिति है ना, ये हरिचंद मुहूर्त है ना, उस समय डांट कर ही बोलना चाहिए था उनको, लेकिन वो डांट कर नहीं बोले। और कैसे बोले, अनुनय वाचा, उनको प्रशंसा कर, लेकिन जो बात बोले ये बात भी ठीक है, पत्नी को प्रशंसा करते हुए बोले। हम कल सुनेंगे गृहस्थ धर्म में पत्नी का कितना काम है, कितना दायित्व है, हम ये बात को सबको समझना चाहिए। कश्यप जी बताएंगे गृहस्थ धर्म में पत्नी का कितना बड़ा काम है। सबसे बड़ा काम क्या मालूम है, अगर पति, हाँ जी, अच्छा नहीं, वो भी समझने वाली बात है, आजकल सीरियल देखते हैं, क्यों देखते हैं, पति भी ठीक होना चाहिए ना, और पति ठीक नहीं होंगे सिर्फ दोष देंगे पत्नी को, वो बस बैठकर सीरियल देखती है, ठीक है, हमारा भी कर्तव्य है, पति का भी कर्तव्य है, उनको भक्ति में लगाए, भक्ति काम में उनको भी लगाना चाहिए ना। प्रभुपाद बताते हैं पत्नी के लिए गुरु कौन है मालूम है, पत्नी के लिए गुरु है पति, पत्नी के लिए पति ही गुरु है, पति को भी मालूम होना चाहिए भक्ति कैसे करना चाहिए। आजकल तो बिल्कुल दूसरा स्थिति हो जाता है, पति समरसपान करके जब घर को वापस आते हैं पत्नी भी झाड़ू लेकर सेवा करते हैं, चावल देकर सेवा करते हैं, बस हो जाता है, वो पति जैसा आते हैं पत्नी वैसा सेवा करते हैं, और क्या। ठीक है, समय तो हो गया, भोग लग गया, हम कल सुनेंगे कैसे वो पत्नी का स्थिति को कैसे वो बताएंगे। तो आपसे सभी से निवेदन है, कम से कम मेरा एक निवेदन को आप स्वीकार कीजिएगा, आप लोग तो आते हैं कथा सुनने के लिए, लेकिन एक निवेदन को स्वीकार करने की कोशिश कीजिएगा। निवेदन करूं, कौन कौन स्वीकार करने की कोशिश करेंगे, अच्छा हाँ जी, क्या निवेदन हो सकता है, हाँ जी, ना ना ये निवेदन नहीं, नहीं नहीं ये भी मेरा निवेदन नहीं है, मेरा दूसरे तरह का निवेदन है, मेरा दूसरे तरह का, हाँ जी,
अच्छा हाँ ये भी लेकिन और एक निवेदन है, निवेदन क्या मालूम है? निवेदन है, देखिए हम सभी भक्त यहाँ बैठकर कथा सुनते हैं, लेकिन हम सब प्रसाद लेकर चले जाते हैं, इधर सेवा होना चाहिए, ये मेरा निवेदन है। हम सभी लोग प्रसाद लेकर चले जाते हैं, लेकिन जो सेवा करते हैं वो रात को देर में सोते हैं, फिर सुबह उनको भी काम को जाना पड़ता है ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा अगर मिलकर सब सेवा करेंगे तो बहुत कम समय में सब सेवा खत्म हो जाएगा, ये मेरा निवेदन है। तो कोशिश कीजिएगा सभी सहयोग करने के लिए। हाँ जी, नहीं देखिए ये आप भी सोचिए, अगर आप एक दो भक्त अगर सेवा में लगेंगे तो कितना दिक्कत होगा, अगर सब मिल जाएंगे तो बहुत कम समय बहुत कुछ हो सकता है, ये मेरा निवेदन है। बाकी जो निवेदन आप पहले सोच रहे थे वो भी ठीक है, अपने पत्नी को लेकर आइए, जो भी आप समझ दिए वो भी ठीक है। ठीक है, हरे कृष्ण, जय रत्ना श्रीमद भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, नेताई गौर प्रमाणे जय।